Hello. In this video, we will discuss another question, which is median of two sorted arrays. ठीक है, ये question बहुत important question है ना? और binary search में अभी तक अपन ने बहुत सारे variations देखे questions के, तो ये मैंने next question choose किया है, जो कि binary search से solve हो सकता है. Time complexity काफी हद तक हम इसकी कम कर सकते हैं binary search लगा के. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, पहले अपन ये समझ लेते हैं. हमें निकालना है मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड अरेज. ठीक है, तो हमारे पास दो सॉर्टेड अरे देखे, सपोज A1 और A2. अब इन दोनों का मीडियन निकालना, इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों को मैं मर्ज कर लूँ, है ना, सॉर्टेड ऑर्डर में इन दोनों को अगर मैं मर्ज कर लूँ, तो मेरा मीडियन क्या आएगा. जैसे सपोज ये दोनों को मैं मर्ज करता हूँ पहले, है ना, एक सिंगल अरे बनाता हूँ उनके साथ सॉर्टेड ऑर्डर में. तो देखो, पहले 5 आएगा, ठीक है, फिर 10 आएगा, 50, 20, 25, 30, 35 और 45. कुछ नहीं किया है मैंने, दोनों को सिर्फ मर्ज कर रखा है यहाँ पे, और एक सिंगल सॉर्टेड अरे लिख दिया. दो अलग अलग सॉर्टेड थे, मैंने एक सिंगल सॉर्टेड अरे लिख दिया है. अब मुझे क्या निकालना है, इसका मीडियन निकालना है. तो मीडियन कैसे निकलेगा, तो हमको पता है कि अगर इसकी लेंथ जो है वो इवन है, अगर इवन इसकी लेंथ है, जैसे कि इसकी लेंथ कितनी रखी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 लेंथ है, है ना, तो हम क्या करेंगे, 8/2 करेंगे, 8/2 एलिमेंट ले लेंगे एक, तो मतलब 1, 2, 3, 4 फोर्थ एलिमेंट ले लेंगे, प्लस 8/2 प्लस 1th एलिमेंट ले लेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, है ना. ये हो गया ना मीडियन का फॉर्मूला, सबको पता ही होगा. तो 8 एलिमेंट पे 8/2 मैंने किया, तो फोर्थ एलिमेंट आ रहा था, कि फोर्थ एलिमेंट हो गया और फिफ्थ एलिमेंट ये हो गया. ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो तुम्हारा मीडियन आ जाएगा, क्या आ रहा है, 45/2, 22 हो जाएगा इंटीजर में. तो तुमको सिर्फ मीडियन निकालना है. दो सॉर्टेड अरे दे रखे हैं, अब उनको सिंगल अगर हम अरे में देखें, सॉर्टेड ऑर्डर में देखें, तो उसका मीडियन क्या आना चाहिए तुमको बताना है. तो ये तो इवन का हो गया, अगर ऑड होता 45 के बाद 46 भी होता, तो इसकी लेंथ कितनी, 9 है, इसकी लेंथ है 9, है ना. हम क्या करेंगे, 9 + 1/2 एलिमेंट, है ना, अगर लेंथ ऑड है तो 9 + 1/2 एलिमेंट, यानी 10/2 फिफ्थ एलिमेंट, तो 1, 2, 3, 4, 5. अब यही इसका मीडियन हो गया. मीडियन वो होता है जिसके आधे एलिमेंट इस साइड चले जाएं और आधे एलिमेंट इस साइड चले जाएं. ठीक है, और पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सॉर्टेड ऑर्डर में होगा. तो सॉर्टेड ऑर्डर में है, इसका मतलब ये है कि 25 से छोटे सारे एलिमेंट इधर हैं और 25 से सबसे बड़े सारे एलिमेंट इधर हैं, यानी कि जो मीडियन निकलेगा ऑड में, उससे सारे छोटे एलिमेंट इस साइड हैं और बड़े एलिमेंट उस साइड हैं. ठीक है, और अगर इवन होगा तो दो एलिमेंट निकलेंगे, है ना, ये हटा दो तो दो एलिमेंट निकल रहे थे. ठीक है, तो छोटे सारे इस साइड हैं और बड़े सारे दूसरी साइड हैं. ठीक है, तो अपने को सिर्फ क्या निकालना है ना, मीडियन निकालना है अपने को. तो कैसे निकालेंगे मीडियन, ये हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है, कि मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड अरेज निकालना है. दोनों अरे दे रखे हैं, अब तुमको सिर्फ कैलकुलेट क्या करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है. तो एक बार तुम खुद से इसको करके देखो, उसके बाद अपन देखते हैं इसकी क्या अप्रोच हो सकती है. ठीक है, चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं अपन, है ना. तो तुमने अगर वो क्वेश्चन किया हो कि मर्ज टू सॉर्टेड अरे वाला क्वेश्चन, तुमको अगर ध्यान आ रहा हो कि दो सॉर्टेड अरे है उनको मर्ज कर लो और उसका मीडियन अगर अपन निकाल लें, तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना. अभी तो सिंपल से अपन बात देखी कि ये दो अरे सॉर्टेड है, तो मर्ज टू सॉर्टेड अरे वाला आंसर इसमें लग जाएगा. अब मर्ज टू सॉर्टेड अरे वाला कंसेप्ट जो है वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा. चलो तो इसको अपन बाइनरी सर्च से देख लेते हैं. कोई भी क्वेश्चन को अगर करो ना, तो पहले उसको आसान है यही समझा करो, समझने की कोशिश तो क्या करो. अगर पहले समझ लेंगे कि वो कठिन है, तो फिर वो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं अपने से. चलो तो देखते हैं इसका क्या कंसेप्ट होने वाला है. एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है. क्या कंसेप्ट है कि मीडियम क्या होता है, सबसे पहले तो तुम ये देखो, मीडियम मतलब होता है जो मिडिल में आ रहा है. मिडिल में आ रहा है मतलब उसके राइट में और लेफ्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हों. ठीक है, यही होता है मीडियम. तो फिर हम जैसे ऑड के केस में तो तुमको इधर भी सेम और इधर भी सेम मिल जाता है, लेकिन इवन के केस में क्या होता है कि तुमको मिडिल के दो एलिमेंट देने पड़ते हैं. लेकिन तुमको यह बताया कि मीडियम के इधर और इधर सेम एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि इन दोनों को सॉर्ट करके मैं एक एरे बना रहा था और उसको आधे आधे में तोड़ रहा था, जिसके आधे हाफ में फर्स्ट हाफ में सेम एलिमेंट थे और सेकंड हाफ में सेम एलिमेंट थे, अगर वो इवन है तो. और अगर ऑड था तो फर्स्ट हाफ में हम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ले सकते हैं, दूसरे हाफ में एक एलिमेंट कम हो सकता है. ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को अपन इस्तेमाल करके देखते हैं. मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ये जो तुमको अरे दे रखा है, मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ, 10, 20, 30. ठीक है, 5, 15, 25, 35 और 45. ठीक है, अब इन दोनों को सॉर्ट जब मैंने किया था, तो आया था 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 45, ये आया था. ठीक है, अब इसका जब तुम मीडियम निकाल रहे थे, तो तुम्हारा क्या निकला था, ये दो एलिमेंट निकले थे. तो तुमने क्या नोटिस किया था, इसके इधर भी सेम एलिमेंट, इधर भी सेम एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है. ठीक है, एलिमेंट सेम नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है. ठीक है, तो चलो अब अपन देखते हैं. मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको ना बिना मर्ज करे ऐसे दो हाफ में डिवाइड कर दूं. कैसे दो हाफ में डिवाइड कर दूं,
मैं ऐसे दो हाफ में डिवाइड कर दूं, इधर इधर भी आधे एलिमेंट इधर हो जाए और आधे एलिमेंट उधर हो जाए। इवन के केस में तो ये हो जाए, और ऑड अगर एलिमेंट है, सपोज इसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होता 46 होता, तो मैं डिवाइड यहां से करूं, यानी कि एक एलिमेंट इधर वाले में एक्स्ट्रा ले लूं और इधर वाले में आधे एलिमेंट ले लूं। इस तरीके से इसको हम डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। फिलहाल इवन के लिए देख रहे हैं अपन, है ना, यहाँ से डिवाइड करते हैं। चलो चलो, तो इसको मैं बिना सॉर्ट करे, एक साथ मर्ज करे, हम ऐसे हाफ में डिवाइड करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं अपन ये देख लेते हैं। तो तुम पहले ना इन दोनों की साइज को प्लस कर लो, n1 प्लस n2 3 ये है, 3 4 5 5 ये है, 5 और 3 कितना, 5 और 3 8 हो गए, ठीक है, ये 8 हो गया। अब तुमको चार चार के हिस्से में इसको तोड़ना है, ठीक है। अब चार चार के हिस्से में तुम कैसे तोड़ोगे वो ध्यान से देखना। ये पहला अरे है, ये दूसरा अरे है, मेरे को चार चार के हिस्से में तोड़ना है। तो मैंने सोचा यार इसका फर्स्ट एलिमेंट लेता हूँ, इसके तीन एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है। देखो तुमको सॉर्टेड ऑर्डर में है ये, तो तुमको सॉर्टेड ऑर्डर में ही इनको पिक करना पड़ेगा, क्योंकि एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये चूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमको सॉर्टेड ऑर्डर में भी चाहिए। तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसीलिए मैं कंटिन्यूस इनको पिक कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। या तो मैं एक एलिमेंट इसका ले लूँ, तीन एलिमेंट इसके ले लूँ, ठीक है, या फिर मैं दो एलिमेंट इसके ले लूँ, दो एलिमेंट इसके ले लूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, तीन इसके ले सकता हूँ और एक इसके ले सकता हूँ। इसमें तुमको कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा वाला वैलिड है, यानी कि एक एलिमेंट लेना वाला वैलिड है, या दो एलिमेंट लेने वाला वैलिड है, या तीनों एलिमेंट लेने वाला वैलिड है, वो कैसे पता चलेगा, अब वो देखो। पहले एक की बात करते हैं, एक एलिमेंट में यहाँ से ले रहा हूँ, तीन एलिमेंट में यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हो गया कि मेरा ये एक अरे अलग बन गया और ये बाकी का बच्चा अरे एक अलग बन गया, मतलब कि ये चार का पोर्शन अलग हो गया और ये चार का पोर्शन अलग हो गया, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये अगर चार चार का पोर्शन अलग हो चुका है, तो फिर मैं इनके ये दो एलिमेंट निकाल के उनका मीडियन कैलकुलेट कर लेता हूँ, है ना। तो मेरे को पहले ये देखना पड़ेगा कि इधर वाले चार जो हैं वो उधर वाले चार से छोटे होने चाहिए ना। ये देखो सॉर्टेड ऑर्डर में क्या था, ये वाले चार एलिमेंट छोटे थे इन चार एलिमेंट से, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, ठीक है। अगर तुम पहला एलिमेंट पिक कर रहे हो, तो इधर से तीन अगर तुमने पिक किए हैं, तो ये सारे एलिमेंट इन सारे एलिमेंट से छोटे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो चलो फिर कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट्स यूज करेंगे सिर्फ, ठीक है। कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ हम लास्ट डिजिट्स ही चूज कर लेंगे, 25, 10, 20 और 35, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो सॉर्टेड है, यानी यहाँ तक इससे छोटे हैं और ये भी सॉर्टेड है, यहाँ से स्टार्टिंग इसका एलिमेंट ये है, इसका स्टार्टिंग एलिमेंट ये है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा ना, मैं देखूंगा, देखो मेरे को ये तो पता है कि 10 से बड़ा है 20, है ना, लेकिन मेरे को ये नहीं पता है कि क्या 10 से बड़ा है ये वाला एलिमेंट और क्या 25 से बड़ा है ये वाला एलिमेंट, समझ रहे हो। मेरे को ये चेक करना है कि ये वाला पार्ट इस पार्ट से छोटा है कि नहीं है। अगर छोटा होगा तो मैंने वैलिड ब्रेक किया है, मतलब जो मैंने ब्रेक किया ना दो में, वो वैलिड है। अगर छोटा नहीं है तो वो वैलिड नहीं। तो उसकी वैलिडिटी कैसे चेक करूंगा, मैं ये चार एलिमेंट कॉर्नर के पिक करूंगा, ठीक है। उसके बाद में मैं सपोज ये मेरा m1 है, ठीक है, ये m2 है, ये मेरा m3 है और ये मेरा m4 है, ठीक है। अब इसमें तुम कंपेयर किस किस को करोगे, ठीक है। तो मैंने बोला कि फर्स्ट एलिमेंट इससे तो छोटा है ही सही, तो फर्स्ट एलिमेंट जो है ना ये वाला m1, उसको m4 से कंपेयर करेंगे, m1 को m4 से कंपेयर करेंगे कंपेयर, और m2 को कंपेयर करेंगे m3 से। सिंपल सी बात है कि अगर m1 इससे भी छोटा हो जाए, m4 से छोटा हो जाए और m3 m2 से छोटा हो जाए, तो ये हमारा वैलिड है, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन, तो m1 तो m4 से छोटा आ रहा है, 10 इज लेस देन 35, बट 25 यानी कि m3 इज नॉट लेस देन 20 यानी कि m2, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा डिवीजन था ये हो गया है रिजेक्ट, ये हो गया गलत, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, अब जब तुम दो एलिमेंट ऊपर से लोगे और दो एलिमेंट नीचे से लोगे तो क्या होगा, अपन वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो दो एलिमेंट ऊपर से ले रहा हूँ, दो एलिमेंट नीचे से ले रहा हूँ, यानी कि इतना इतना पोर्शन अलग कर लिया और ये अलग कर लिया, ठीक है। चार चार के इसमें मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब मैंने क्या बोला था तुमको कि डिवाइड करने के बाद ये चेक करो कि सारे एलिमेंट इन सारे एलिमेंट से छोटे हैं कि नहीं है। तो वो चेक कैसे करना था हमको, चेक करना था हमको कॉर्नर वाले एलिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए। ये चार कॉर्नर वाले एलिमेंट्स है, ये इसको m1 नाम दिया था, m2 हो गया, ये m3 और ये m4, ठीक है। अब मुझे इनको बताना है कि ये छोटे हैं इनसे के नहीं है। तो मेरे को ये पता है क्या, 20 मतलब ये वाली सीरीज में ये तो इससे छोटे होगा, क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है और ये भी ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसलिए मैं m1 और m4 को कंपेयर कर लूंगा कि क्या मेरा m1 m4 से छोटा है और क्या मेरा m3 m2 से छोटा है। तो तुम देखोगे यहाँ पे 20 इज लेस देन 25, यस करेक्ट, और 30 इज ग्रेटर देन 15 यानी कि 15 इज लेस देन 30, ये भी करेक्ट है।
तो ये जो तुम्हारा डिवीजन है ये एकदम वैलिड डिवीजन है, यानी कि तुमने ये चार एलिमेंट इधर कर लिए हैं, ये चार एलिमेंट इधर कर लिए हैं, ठीक है। तो मीडियन अगर मेरे को निकालना है तो मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम है, मेरे पास इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स से 8 है, तो मेरे को क्या करना, फोर्थ एलिमेंट और फिफ्थ एलिमेंट इसमें से पिक करना था, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि अगर आधे आधे डिवाइड कर दिए हैं तो ये आधे आधे डिवाइड कर दिए हैं, तो पहला इधर से जो लास्ट एलिमेंट है उसको पिक करना है, और इधर से जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको पिक करना है, ठीक है। अब इन दोनों में भी एक चीज समझ लो कि ये लास्ट एलिमेंट कैसे निकलेगा, ये लास्ट एलिमेंट निकलेगा यहां से लेके यहां तक में ग्रेटेस्ट एलिमेंट ये है, और यहां से लेके यहां तक में ये लोएस्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो ये दोनों तो सॉर्टेड है, अब इधर का ग्रेटेस्ट निकालूं और इधर का लोएस्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे वो अपन देखते हैं। कैसे निकालेंगे यार, 20 और 15 में से जो बड़ा होगा वही तो इधर का ग्रेटेस्ट आएगा, और इधर देखूं तो इन दोनों एलिमेंट्स में से जो छोटा होगा वही तो हमारा लोएस्ट आएगा, यानी कि ग्रेटेस्ट निकालना है, तो ग्रेटेस्ट मेरा जो आएगा वो आएगा M1 और M3 का, और लोएस्ट निकालना है तो वो आएगा M2 और M4 का, ठीक है। अभी ग्रेटेस्ट और लोएस्ट तुम्हारे पास अगर निकल गए, यानी कि M1 और M3 में से कौन सा ग्रेटेस्ट आ रहा है, 20 आ रहा है, और इधर से लोएस्ट कौन सा आ रहा है, 25 आ रहा है, तो 20 और 25 मिलने के बाद में तुम क्या सिर्फ क्या करना है, जी प्लस एल बाय टू, ग्रेटेस्ट प्लस लोएस्ट बाय टू, 20 प्लस 25 बाय टू हम कर लेंगे, तो हमारे पास हमारा मीडियन आ जाएगा। बाइनरी सर्च डिस्कस करें, उससे पहले मैं चाहता था कि ऑड वाला केस भी अपन कर लेते हैं। तो ऑड वाला केस मैंने ले लिया, यहाँ पे एक एलिमेंट और मैंने जोड़ दिया, इसकी लेंथ 3 है, इसकी लेंथ 6 है, तो 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है। तो इसमें भी मैंने क्या करा, 10 20 30 5 15 25 ठीक है, 35 45 एंड 46, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर हम करेंगे, डिवाइड वाला वही रूल लगाएंगे जो मैंने अभी बताया था इवन में। तो हमें पूरा एरे मैंने सेम लिया दोनों, सिर्फ एक एलिमेंट इधर ऐड किया है, ठीक है। तो इसकी साइज मेरी आ रही है अब 9, ठीक है। तो इसमें जो सेक्शंस डिवाइड होंगे ना, मैं चाह रहा हूँ पहला 5 का कर लेता हूँ और दूसरा 4 का कर लेता हूँ, ठीक है। अरे इसको जब मैं ऐड करूंगा ना, जैसे 5 आ रहा है, 10 15 20 25 30 35 45 46, ठीक है। तो इसका जो मीडियन आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसका मीडियन ये वाला एलिमेंट आ रहा है ना, इधर भी आधे एलिमेंट इधर है, आधे एलिमेंट इधर है। तो मैं चाह रहा था कि इसको हम जब डिवाइड करें ऑड वाले में, तो एक एलिमेंट एक्स्ट्रा बचता है इसमें आधा करने पे, तो उस आधे वाले एलिमेंट को हम पहले वाले में ले लें, यानी फर्स्ट वाले में ले लूँ मैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में लेना, यानी कि 5 पहले में ले लूँगा, 4 दूसरे में ले लूँगा, ये 9 था इसका अरे है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने जब इसमें डिवाइड करा था तो पहले एक को यहाँ चूज किया और फिर इधर मैं 4 चूज करूँगा, ठीक है। फिर वही चीज़ करनी है, M1 M2, ये M1 M2 M3 और M4, ठीक। फिर वही करना है, M1 को M4 से कंपेयर करो, M2 को M3 से कंपेयर करो। फिर अगर मैं इधर दो एलिमेंट चूज करूँ तो मैं इधर 3 एलिमेंट चूज करूँ, M3 M4, ठीक है। अब जैसे ही ये कंडीशन वैलिड हो गई, यानी कि मेरे दो पार्टीशन अलग हो चुके हैं, ये दो पार्टीशन अलग हो गए, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स इन सारे एलिमेंट से छोटे आ गए, तो उसके बाद हम उस वाले A1 के केस में क्या करते थे, दो एलिमेंट निकालते थे, इधर का मिनिमम इधर का मैक्सिमम उनको डिवाइड बाय 2 करते थे। लेकिन ये ऑड वाला है, तो ऑड वाले में क्या करा मैंने, पहले ही पहले वाले में मैंने 5 ले लिए, तो मैंने पहले वाले हिस्से में 5 ले लिए। तो मुझे बताओ मीडियन कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, फर्स्ट हाफ का जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वही है ना मीडियन, तो फर्स्ट हाफ का ग्रेटेस्ट एलिमेंट तुमको सिर्फ निकालना है, यानी कि सिर्फ तुमको क्या करना है, यहाँ से अभी M1 M2 मैंने चेंज नहीं किए थे, ये M1 यहाँ पे था, M2 यहाँ पे था, तो फर्स्ट हाफ का जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो आएगा M1 और M3 को कंपेयर करने में, ठीक है, समझ आ रहा है। अरे E1 का केस था तो हम क्या कर रहे थे, E1 का केस था तो एक एलिमेंट नहीं था यहाँ पे, तो यहाँ से डिवाइड हो रहा था, इसलिए इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना था, है ना। तो मैंने क्या किया था, इधर से मैक्सिमम लिया, इधर से मिनिमम लिया, डिवाइड बाय 2 किया। लेकिन ये केस किसका है, ऑड का केस है, तो ये ही एक पर्टिकुलर सिंगल एलिमेंट होता है इसमें, तो मैंने पहले वाले में 5 ले लिए हैं और दूसरे वाले में मैंने 4 ले लिए हैं, तो 5 पहले वाले में लिए, तो इसका लास्ट एलिमेंट जो होगा वही तो होगा इसका, इस पोर्शन में से मैं मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लूंगा, तो M1 और M3 में से जो मैक्सिमम आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। M1 और M3 में से जो मैक्सिमम आएगा वही हमारा मीडियन होगा, यानी कि 25 आवर मीडियन, ठीक है। चलो ये ऑड का भी हो गया, अब अपन इसका बाइनरी सर्च से कैसे इसका इंप्लीमेंटेशन करना है वो अपन देख लेते हैं, देखते हैं वो इसको बाइनरी सर्च से हम कैसे कर सकते हैं, है ना। तो मैंने दो अरे थोड़ा अलग ले लिए इस बार, ये दो मैंने अरे ले रखे, अब तुमको निकालना है मीडियन। तो बाइनरी सर्च कैसे लगेगी वो मैं बताने वाला था इसमें। तो बाइनरी सर्च ना अपन इसमें से क्या करेंगे, छोटा वाला चूज कर लेंगे, ठीक है। मैं छोटे वाले में क्या कर रहा था, एक एक एलिमेंट चूज कर रहा था और उस हिसाब से इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स चूज कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करूंगा कि छोटे वाले एलिमेंट में बाइनरी सर्च लगाऊंगा और बाइनरी सर्च के हिसाब से सेक्शंस डिवाइड करूंगा,
कैसे करूंगा, पहले तो तुम देखो फर्स्ट वाले में कितने एलिमेंट्स है, यानी कि एन1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, ठीक है, एन2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, एन1 प्लस एन2 आ रहा है 10, यानी कि ये वाला केस है ई1 का केस, ठीक है। अब मुझे क्या क्या चाहिए इसमें से, फिफ्थ एलिमेंट चाहिए और सिक्स्थ एलिमेंट चाहिए, पांचवा और छठा एलिमेंट चाहिए, उसी से मेरा मीडियन निकलेगा। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ इसमें बाइनरी सर्च लगाओ, इसमें कैसे बाइनरी सर्च लगाओगे यार, इसमें यहाँ लो रखो या हाई रखो, तो मैंने लो यहाँ रखा हाई यहाँ रखा, इन दोनों को डिवाइड जब मैं करूँगा लो प्लस हाई बाई टू, तो मेरा मिड जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे मिड आएगा। तो सपोज इस बार मैं मिड को ना आई वन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, लेट अस सपोज कि मैं मिड को आई वन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जो मैं सेक्शन डिवाइड करूंगा आई वन तक का एक सेक्शन बनाऊंगा, यानी कि आई वन तक के एलिमेंट्स में चाह रहा हूँ कि इसके इधर फर्स्ट हाफ में आई वन तक के एलिमेंट्स आ जाएं, तो इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है फिलहाल तो, ठीक है। अब तुमको कैसे मालूम पड़ेगा कि दूसरे वाले एरे में कहाँ तक जाना है, है ना, तो कहाँ तक जाना है उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, आई टू इक्वल्स टू एन वन प्लस एन टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस आई वन, ठीक है। इसको तुम इसको वैलिडेट कर लो, कर सकते हो, इसको वैलिडेट क्यों नहीं कर सकते यार, सिंपल सी बात है, इधर अगर एक एलिमेंट चूज किया है तो दूसरे वाले में तुमको चार एलिमेंट चूज करने पड़ेंगे ना, चार एलिमेंट चूज, इसीलिए ये एक फॉर्मूला बन गया। इससे क्या आएगा, आई टू की पोजीशन आ जाएगी, जैसे क्या पोजीशन आएगी आई टू के अपन देखते हैं, एन वन प्लस एन टू 6 + 4 = 10, 10 + 11, 11 / 2 कितना आ गया 5 आ रहा है, 5 माइनस आई वन, आई वन का क्या इंडेक्स है 1 है, तो 5 इसका आ गया माइनस 1 यानी कि 4 आ गया, ठीक है। तो आई टू की पोजीशन क्या है, फोर्थ इंडेक्स पे, 4 की पोजीशन क्या है यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये आ गया 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा आई टू आ गया, इसका मतलब ये है कि आई टू तक के एलिमेंट्स फर्स्ट पार्ट में आएंगे और इधर आई वन से पहले के एलिमेंट फर्स्ट पार्ट में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट निकल गया, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट निकल गया और सेकंड पार्ट क्या होगा, ऑलरेडी सेकंड पार्ट फिर यही होगा, है ना। तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट जब निकल जाएंगे तो तुम पहले चेक कर लोगे कि क्या ये वैलिड पार्ट्स हमने डिवाइड किए, वैलिड पार्ट चेक करने के लिए m1 m2 m3 m4 हम यहाँ पे रखेंगे, m1 को m4 से कंपेयर करेंगे, m2 को m3 से कंपेयर करेंगे, अगर ये वैलिड हो गया तो हमारा ऑपरेशन खत्म हो गया, लेकिन अगर ये वैलिड नहीं हुआ तो हमारी जो बाइनरी सर्च में ऊपर वाले में लगाने का बोल रहा हूँ, यानी कि लो यहाँ रखूंगा हाई यहाँ रखूंगा मिड ये निकाला, तो हम लो को किधर मूव करें और हाई को किधर मूव करें ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। बाइनरी सर्च जब भी लगती है तुमको एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि ऐसी कौन सी कंडीशन हमारे पास हो जिससे हम हाई और लो को मूव करें, ठीक है। तो वो कंडीशन मैं तुमको बता देता हूँ, अगर तुम्हारे ये जो दो पार्ट आए ना ये दोनों पार्ट वैलिड नहीं है, ठीक है, वैलिडिटी के चेक करने का मैंने पहले बता चुका हूँ, m1 और m4 कंपेयर किया, m2 और m3 को कंपेयर किया, ठीक है। अगर ये वैलिड नहीं है तो मेरा मीडियन नहीं निकल सकता, तो फिर उसके लिए मैं लो को या फिर हाई को कहीं ना कहीं मूव करूंगा, तो वो कंडीशन जो बाइनरी सर्च की कंडीशन है वो कंडीशन कैसे निकलेगी वो मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है। उसके पहले मैं इस केस के लिए पहले m1 m2 मार्क कर लेता हूँ, ये m1 हुआ इसमें, ये m2 हुआ, है ना, ये m3 हुआ और ये m4 हुआ, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन क्या होने वाली है बाइनरी सर्च की, जिससे हम लो और हाई को मूव करेंगे और पार्टीशन हमारा इधर उधर खसकते जाएगा, ठीक है। तो वो कंडीशन या तो तुम m1 और m4 से वो कंडीशन बना लो या m2 और m3 से बना लो, तो मैं m1 और m4 से बना रहा हूँ। चलो तो कंडीशन क्या बनेगी कि अगर मेरा m1 ग्रेटर देन m4 आ रहा है, ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट से ही बड़ा आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं हाई को मिड माइनस वन पे मूव कर रहा हूँ, मिड मेरा ये है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं हर केस में लो को मिड प्लस वन पे मूव कर रहा हूँ, ये मिड है, ठीक है, मिड को आई वन से डिनोट किया मैंने, ये मैंने इसमें कंडीशन लिख दी कि अगर ये वाला एलिमेंट m1 m4 से बड़ा आ रहा है, यानी कि ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा है, तो मेरे को पार्टीशन करना था, तो मैं क्या करूँ, हाई को इधर लेके आऊँ ना कि लो को उधर लेके जाऊँ। और अगर ऐसा ना हुआ, यानी कि m1 इसके इक्वल या फिर m1 इससे छोटा हुआ, तो मैं लो को इधर मूव करूंगा ना कि हाई को इधर लेके आऊंगा। यही तुम्हारी वो कंडीशन है जिससे तुम बाइनरी सर्च लगा पाओगे, ठीक है। चलो अब अपन लगा के देखते हैं कैसे लग रही है बाइनरी सर्च इस कंडीशन से। अभी जो मेरा डिवीजन था वो ये था कि यहाँ से यहाँ तक का था और यहाँ से यहाँ तक का था, ठीक है। इसको वैलिडेट अगर अपन करें तो m1 और m4 को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि यार m1 जो है वो m4 से छोटा है, यानी कि 2 < 10 आ रहा है। तो अगर 2 < 10 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो कंडीशन जाएगी तो else वाले पार्ट में जाएगी, क्योंकि m1 < m4 आ रहा है, तो लो को मैं i1 + 1 पे मूव कर दूंगा, तो लो यहाँ से उठ के कहाँ आ जाएगा, लो आ जाएगा i1 + 1, यानी कि लो यहाँ पे, ठीक है। उस हिसाब से सारे m1 m2 और सब कुछ अपडेट होगा, तो मैं सबको अभी हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, इसका मिड निकालोगे, मिड निकालेंगे तो मिड मेरा आएगा i1, वो यहीं पे आएगा। अब मिड निकालने के बाद में मैं एक सेक्शन, तो मेरे को ये मिल गया,
दूसरा सेक्शन इसमें निकालना था, तो उसके लिए मैं आई टू कैलकुलेट कर रहा था इस फॉर्मूले से, तो आई टू में अगर कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा, ये पूरा 5 आ रहा था, 5 माइनस आई, आई कहां पे है, 0 1 2, ठीक है 2 आ रहा है, तो 5 माइनस 2 अगर मैं करूंगा तो इस बार मेरा 3 पे आएगा। चलो 0 1 2 3, यहाँ पे रखा मैंने आई टू, यहाँ से यहाँ तक का एक पार्ट बन गया, ठीक है ये दो मेरे को सेक्शन मिल गए। अब मैं इसको वापस से वैलिडेट करूंगा, वैलिडेट करने के लिए m1 m2 चाहिए तुमको, ये m1 m2 m3 और m4, ठीक है m1 m2 m3 m4 मैंने लिख दिए। वापस से तुम कंपेयर करोगे क्या m1 m4 से छोटा है, हाँ 3 इज लेस देन 7 बिल्कुल आ रहा है, क्या m3 m2 से छोटा है, हाँ 4 इज लेस देन 6 बिल्कुल आ रहा है। तो हमारा जो वैलिड पार्टीशन हमको करना था वो हम कर चुके, यानी हमारे पास दो पार्ट आ गए, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, ये दो वो पार्ट हैं जो कि मीडियन से सेपरेट हो रहे हैं, तो मीडियन अगर तुमको निकालना है तो तुम आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से बाइनरी ऑपरेशन काम करेगा, इस स्टेटमेंट पे बेस पे काम करेगा, ठीक है। मैंने M1 और M4 पे करा है, तुम एक कोशिश करो कि M2 और M3 पे भी तुम ये वाला स्टेटमेंट लिख पाओ कि हाई को कैसे मूव करना है और लो को कैसे मूव करना है, ठीक है। तो इस तरीके से तुमको करेगा ये ऑपरेशन का। चलो फटाफट से इसका मैं कोड लिख देता हूँ और अब मैं इसका कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो तो इसका अपन अब कोड डिस्कस कर लेते हैं कि बाइनरी सर्च का इसका कोड क्या होगा। कोड मैंने लिख दिया है पूरा, है ना, तो समझते हैं कि कोड में क्या लिखा है। पहले तो एक बात याद रखना, छोटा वाला जो अरे है उसी पे हम बाइनरी सर्च लगाएं तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो सपोज कर लिया मैंने A1 को मैं छोटा वाला ले रहा हूँ और A2 को बड़ा वाला ले रहा हूँ, तो एक काम करना, इस कोड के पहले तुम चेक कर लेना कि किसकी लेंथ कम है, उसको तुम A1 ले लेना और A2 तुम बड़े वाले को ले लेना। चलो अब अपन इसमें देखते हैं कि क्या करना है। तो मैंने क्या करा, लो को 0 पे रखा, A1 की लेंथ N1 थी तो हाई को N1 पे रखा, फिर मैंने लगाया वाइल लूप, है ना, जो हमारा बाइनरी सर्च का लूप तक था लगता था वही लगाया। इस इतने बड़े कोड को देखो घबराना मत, कुछ भी नहीं है इस कोड में, ये इतने सारे तो वेरिएबल डिक्लेयर करने में इसमें स्पेस लग गया है ना। तो मैंने क्या करा है कि वाइल लूप लगाया, जब तक लो लेस देन इक्वल टू हाई होगा, जब तक मैं क्या करूंगा आई डैश यानी मिडिल एलिमेंट निकालता जाऊंगा, लो प्लस हाई बाय 2, है ना, ये मिडिल एलिमेंट निकल गया। फिर आई टू जो है वो दूसरे वाले अरे का आई टू निकालना था, उसका फॉर्मूला मैंने तुमको बताया था N1 प्लस N2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस I1, ये दूसरे वाले अरे में हमको I2 मिलेगा, यानी कि वहां तक का हमको सेपरेशन करना है, ठीक है, ये I1 I2 आ गए। उसके बाद क्या करा, M1 M2 M3 M4 में निकाल रहा हूँ। अब M1 M2 M3 M4 कैसे निकालेंगे तुम बोलोगे, अरे क्या क्या लिख दिया यहाँ पे int main int max, तो ये इससे मत घबराओ, ये क्यों लिखा है मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर कोई अरे है उसकी इंडेक्सिंग 0 से लेके n-1 तक रहती है, तो अगर तुम 0 से पहले यानी कि -1 वाला इंडेक्स तुम एक्सेस कर सकते हो क्या, वहां पे रन टाइम एरर आ जाएगी। और n-1 तक होता है तो nth इंडेक्स भी तुम एक्सेस नहीं कर सकते, या n इंडेक्स से ज्यादा भी तुम एक्सेस नहीं कर सकते ना, इसीलिए मैंने ये लिया है कि अगर 0 से कम यानी कि -1 पे वो पहुंच जाए तो मैं क्या कर दूं int मिनिमम ले लूं, और अगर उधर n-1 यानी nth इंडेक्स पे अगर मेरा कोई एलिमेंट एक्सेस हो रहा है m1 m2 m3 m4 में से, तो मैं क्या करूं int मैक्सिमम ले लूं, समझ रहे हो। देखो ध्यान से, इधर यहां पे मैंने क्या किया, m1 जो था अगर मेरा i1 0 पे है ना, तो मैं इसमें i1 -1 रखता था, तो 0 -1 -1 हो जाएगा ना ये, तो इसीलिए मैंने यहां पे अगर ऐसा है तो फिर मैं int मिनिमम ले लूं, नहीं तो i1 -1 पे मैं चला जाऊं। सिमिलरली m2 अगर i1 मेरा n1 पे है, ठीक है, तो मैं मैक्सिमम ले लूं, नहीं है तो फिर मैं वही वाला एलिमेंट ले लूं, क्योंकि वो एक्सेस नहीं कर सकते। सिमिलरली इधर I2 अगर 0 हुआ तो उसको एक्सेस नहीं कर सकते, 0 -1 पे एक्सेस नहीं होगा, इसीलिए मैं int मिनिमम ले रहा हूं और यहां पे int मैक्सिमम ले रहा हूं, ठीक है। तो ये तो हमारे तुम्हारे चार वेरिएबल डिक्लेयर करने की कहानी हो गई, ठीक है। बाकी पूरी प्रोसेस एकदम सिंपल है, कोड कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करना है और ये इतना सा कोड है। क्या कोड है चलो चेक करते हैं। मैंने तुमको बताया था कि m1 m2 m3 और m4 इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, इस तरीके से, तो m1 और m4 को कंपेयर करते हैं और m2 और m3 को। तो यहाँ पे मैंने m1 और m4 को कंपेयर कर रखा है और m3 और m2 को देख रहा हूँ, यानी m1 क्या मेरा m4 से छोटा है और m3 क्या मेरा m2 से छोटा है, ये मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, इसका मतलब मेरे को सेपरेशन मेरा मिल चुका है। अब मेरे को निकालना है मीडियन, तो मीडियन निकालने के लिए इवन और ऑड चेक करना पड़ता था, तो ये वाली कंडीशन मैंने ऊपर एक इवन की दे दी और ये ऑड की दे दी, ठीक है। तो इवन में हम क्या करते थे तुमको याद हो, तो m1 और m3 में से हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते थे, उसमें से हम प्लस करते थे क्या m2 और m4 का मिनिमम, उन दोनों को जोड़ के हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा मीडियन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही किया मैंने, मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m3 प्लस मिनिमम ऑफ m2 एंड m4, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करा। डबल में मैं इसको कर रहा हूं ताकि पॉइंट में वैल्यू जाए तो वो रिटर्न कर दूं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया, लेकिन एल्स पार्ट में मैं आऊंगा, यानी कि अगर ऑड हुआ तो मैं सिर्फ m1 और m3 का मैक्सिमम देख लूंगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे देखा मैक्सिमम क्या, m1 और m3 में से जो मैक्सिमम होगा वही हमारा मीडियन होगा, है ना। तो ये तो बात हो गई कि जब कंडीशन सेटिस्फाई हो, हमारा सेपरेशन जो हो वो बिल्कुल सही हो, बिल्कुल वैलिड हो,
लेकिन अगर वो वैलिड नहीं है, है ना, तो हमको बाइनरी सर्च लगानी है। बाइनरी सर्च में लोअर हाई को किस तरीके से मूव करेंगे वो मैंने तुमको बताया था। कैसे मूव करेंगे, अगर m1 m4 से बड़ा है, m1 is greater than m4, तो मैं हाई को मिड माइनस वन पे लेके आऊंगा, और अगर m1 m4 से बड़ा नहीं है तो मैं लो को मिड प्लस वन पे लेके आऊंगा। ठीक है, तो ये इसका पूरा कोड हो गया। मैंने पूरी कोशिश की कि इसको कंसेप्ट वाइज अच्छे से समझाऊं, ठीक है, ज्यादा कोड पार्ट को समझाने मेरा फोकस नहीं रहता, कंसेप्चुअल तुम कंसेप्ट समझ में आ जाएगा क्या इसका कंसेप्ट है, किस तरीके से हम सेपरेशंस कर रहे हैं, किस तरीके से हम लो को और हाई को मूव कर रहे हैं। ये अगर तुमको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना, और इसकी पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ मिनिमम ऑफ एन वन एंड एन टू, ये हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। मिनिमम ऑफ एन वन एंड एन टू इसलिए लिखा है क्योंकि जो मिनिमम होगा ना, अरे उसी में मैं बाइनरी सर्च लगा रहा हूँ। मैंने बोला इस कोड के पहले तुमको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि मिनिमम जो सा होगा उसी को ए वन ले और मैक्सिमम वाले को ए टू ले, ठीक है। कोड पे इतना फोकस ना करके कंसेप्ट समझ लें तो उसके बाद में कोड अपने आप हम लिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म हमें याद रहेगा और दूसरे क्वेश्चन जो इसके जैसे होंगे वो भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो बाइनरी सर्च से करने के बाद इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी कम हो गई है। तो ये क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो इसको शेयर कर देना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।